વિરામ બાદ આગળ વાત કરીએ તો દીવમાં ઇન્ક્યુબેશન સમય પૂરો થઈ ગયો હોય અને ટ્રાન્સમિશન સંદર્ભે દીવ કલેક્ટર સલોની રાયે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી લોકોને આપી જાણકારી. દીવમાં કોરોના વાયરસને લઈને સમગ્ર દીવ જિલ્લામાં લોકડાઉન છે અને ઇન્ક્યુબેશન સમય પૂરો થઈ ગયો હોય અને ટ્રાન્સમિશનનો સમય એટલે કે કેરિયર દ્વારા કોરોના વાયરસ પ્રસારવાના ચાન્સીસ ઊભા થયેલ હોય અને પર્સનલ હાઇજીનનો સમય હોય તે બાબતની જાણકારી મીડિયાના માધ્યમથી પ્રજાને આપવા માટે પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ દીવ કલેક્ટર સલોની રાય દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવેલ, જેમાં તેમણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ વધારવા દીવના દુકાનદારોને જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ ચોક્કસ સમય દરમિયાન કરી બપોરે 4 વાગે દુકાનો બંધ કરી દે તેવા આદેશ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત કલેક્ટર દ્વારા આ નિર્દેશ કરવામાં આવેલ કે દીવ જિલ્લામાં દરેક બાંધકામની સાઇટ ઉપર જે કોઈ મજૂરો હાજરમાં છે તેમજ જુદા જુદા બંદર ઉપર બોટમાં આવેલા માછીમારોને ત્યાં જ્યાં છે તેના ત્યાં જ રાખવા તેમજ તેમના રાશનની અને મજૂરીની રકમ ચૂકવવાની વ્યવસ્થા જે તે સંબંધિત માલિકોએ કરવી. દીવ માટે સારા સમાચાર એ છે કે કુલ 130 વ્યક્તિને ચકાસણી દરમિયાન રોગના કોઈ તત્વ ન જણાતા તેઓને ભયમુક્ત જાહેર કરેલ છે અને 30 વ્યક્તિઓને ક્વોરન્ટાઇનમાં રાખેલ હોય તેની ખાસ તકેદારી રાખવા જણાવેલ છે. વધુમાં જણાવેલું હતું કે કોરોના વાયરસને લઈને દીવમાં જે ઘરબંધી જાહેર કરવામાં આવેલ છે તેમાં જનતાનો ખૂબ જ સાથ સહકાર મળ્યો છે. વધુમાં સમાચારમાં જોઈએ તો કોરોના વાયરસનો પ્રસાર ન થાય એ વ્યક્તિ વ્યક્તિની વચ્ચેનું અંતર જાળવવું અનિવાર્ય હોય કલેક્ટરના આદેશને સંદર્ભે બપોરે 4 વાગ્યા પછી દીવ બજારમાં અને ગોગલા બજારમાં દીવ SP હરેશ્વર વિશ્વનાથ સ્વામી, દીવ SHO પંકેશ ટંડેલ, પોલીસ કાફલા દ્વારા અને એ જ પ્રમાણે વણાક બોરા તેમજ વાડી વિસ્તારમાં દીવના ડેપ્યુટી SP રવિન્દ્ર કુમાર શર્મા અને વણાક બોરા કોસ્ટલ પોલીસ SHO દીપક વાજા દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું અને ખુલ્લી દુકાનોને બંધ કરાવવામાં આવી અને કારણ વિના ફરતા દરેક લોકોને ઘરે રવાના કર્યા હતા. લોકોને ઘરબંધીનો અમલ કરાવવા માટે સખ્ત વલણ આપવામાં આવ્યું છે અને કામ વગર ઘર બહાર નહીં નીકળવા જણાવ્યું હતું. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. 130 लोग हैं जो 28 दिन के क्वारंटाइन में हैं, जिन्होंने 14 दिन का एक्टिव सर्वेलेंस पीरियड को क्रॉस कर लिया है और कोई भी सिम्टोमैटिक नहीं था, तो उन्होंने 14 दिन का जो एक्टिव सर्वेलेंस का टाइम है वो ख़त्म हो गया है उन लोगों का. सिर्फ 30 लोग हैं दीव में इस वक्त जिनका 14 दिन के सर्वेलेंस में वो हैं और उनकी घर से मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. और बाकी जो भी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो उनको घर में ही चीज़ें सप्लाई कर देंगे आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रिकॉशंस. और किसी को किसी भी तरह की वॉलंटरी सर्विसेज या कोई डोनेशन या किसी भी तरह का कुछ मदद करना चाहते हैं लोगों की, तो वो कलेक्ट्रेट में आके हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम अगर उन गरीब लोगों की मदद में उनकी सहायता करेंगे. जो आ गए हैं वो अब अपने घरों में ही रहेंगे और उनकी बोटिंग, उनकी जो बोट्स, जो बोट पे रहने वाले हैं वो बोट पे रहेंगे और जो वनक बारा गोगला रीजन के हैं वो अपने घरों में रहेंगे और उनकी फिशिंग के, फिश का जो उनका प्रोड्यूस था उसका कोल्ड स्टोरेज में मूवमेंट के लिए पूरा फैसिलिटेशन करवा दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है ताकि उनके किसी भी तरह का उनको नुकसान ना हो. और उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि वो अपने घरों में या जहाँ पर वो हैं, जो भी जहाँ पे है, वो अब आने वाले दिनों में वो वहीं का वहीं रहे. किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 24/7 है 252111 और 252222, तो हमें हेल्पलाइन पे वो अप्रोच कर सकते हैं. और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो प्रशासन पूरा टाइम हम लोग अवेलेबल हैं, फ़ोन पे अवेलेबल हैं. किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं. जो भी मजदूर हैं, ये केंद्रीय सरकार की बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि जो भी स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी जहाँ पे है वो वहीं का वहीं रहेगा. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको पूरी तरह से उनका डेली वेज का और उनका इंश्योर करें कि जो कंसर्न एम्प्लॉयर है वो कोई उसमें उनकी कटौती ना करें. और हम उनके लिए खाने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी. मगर अब जो जहाँ पे है वो वहीं रहे, क्योंकि अगर इतना मास ट्रांसपोर्ट होगा
तो इस लॉकडाउन का पर्पस डिफीट होगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाए। तो तीनों जिला प्रशासन, हमारे प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और उनका भी पूरा सहयोग है और उनकी पूरी गाइडेंस है कि हम लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है और हम आशा रखते हैं कि उनकी गाइडेंस में और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट से कोई भी हमारी पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी कोरोना वायरस से बची रहे, हम लोग का यही एफर्ट है और यही हम लोग आशा करते हैं। COVID-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए प्रशासन ने जैसे कई सारे कदम उठाए हैं और सबसे पहले मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो प्रशासन का पूरा पूरा इसमें सहयोग दे रहे हैं और आशा रखती हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमें पूरा पूरा सहयोग रहेगा। लोग इसमें आने वाले अब जो एक हफ्ता है हमारे वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है क्योंकि अब हम जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड अब ख़त्म हो गया है और अब ट्रांसमिशन की स्टेज स्टार्ट हुई है जिसमें कैरियर्स जो हैं वायरस के वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये स्टेज में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और पर्सनल हाइजीन बनाए रखना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, तो लोगों को इस बात की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक हफ्ता कल से लेके अगले संडे तक 29 तारीख से 5 अप्रैल तक हमें एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकें। तो इसी संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि अब से जो भी दुकानें खुली थी एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ही खुलेंगी, 4 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और मेडिकल स्टोर्स खुल सकते हैं जो उनका रेगुलर टाइम है। उसके अलावा जो भी राशन की दुकानें या जो भी एसेंशियल दुकानें थी जो हम पहले परमिट कर रहे थे एक हफ्ते के लिए 29 तारीख से लेके 5 अप्रैल तक, संडे से लेके अगले संडे तक ये दुकानें सिर्फ इसी टाइमिंग में खुलेंगी ताकि हम लोग और लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करें और लोगों को इस जो इस एक हफ्ते में उन्हें इस चीज़ का पूरा ध्यान देना चाहिए कि जब वो अपनी कुछ भी सब्जी लेने आते हैं या कोई भी राशन लेने आते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि इस टाइम के दौरान वो इतना रश कर दे दुकानों पे या सब्जी की मार्केट में, तो वो उससे हमारा पर्पस मीट नहीं हो पाएगा। तो लोगों को ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वो जब भी कुछ सामान लेने आए तो इस आवश्यक मात्रा में लें ताकि उन्हें रोज़ रोज़ घर से ना निकलना पड़े, और अगर घर से निकल रहे हैं तो परिवार का एक ही बंदा निकले, पूरा का पूरा परिवार सामान लेने के लिए ना निकले, स्पेशली बच्चे और ओल्ड एज घर में रहें, उनकी बिल्कुल भी उन्हें बाहर ना जाने दें और जो भी बाहर जाते हैं जैसे ही घर में आते हैं पूरा अपना हाथ धोएं मुंह धोएं, जो भी एक्सपोज रीजन्स हैं उनको अच्छे से वॉश करें, जूतों को बाहर घर के कोने में उतार दें ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन बाहर से घर के अंदर ना आए। प्रशासन चाहती है कि जैसे दीव में कोई भी केस नहीं है, अगर हम सब मिलके इसमें रहेंगे तो आशा रखते हैं कि दीव में कोई भी केस ना आए आने वाले समय में। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं कि अगले संडे तक है, सिचुएशन का असेसमेंट करके हम आगे डिसाइड करेंगे कि अगले संडे के बाद क्या टाइमिंग्स रहेंगे, मगर कल से लेके अगले संडे तक रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। थैंक यू।